भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लंबी बीमारी के बाद हुए निधन से जहां देश में शोक की लहर व्याप्त है, वहीं रविवार को नगर के भाजपाइयों ने गांधी पार्क परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रपट पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परमपिता परमेश्वर से शोकाकुल परिवार में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाठक ने कहा, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हमेशा देश को उन्नति की ओर अग्रसर करने का कार्य किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि अटल जी ने शिक्षा ग्रहण के पश्चात अनेक वर्षों तक संघ के प्रचारक के रूप में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वह राष्ट्रभक्त युग पुरुष थे। उनका आज हमारे बीच न होना देश के लिए अपुण्य क्षति है। भाजपा नेता सुनील चतुर्वेदी एडवोकेट ने कहा कि संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अटल जी को खोना देश के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी को खोना है। कहा कि वे अच्छे नेता के साथ साथ कुशल लेखक, वक्ता, चिंतक थे। उन्होंने अपने दैनिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। बाद में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आकर अपने देश को विदेशों में सम्मान दिलाया। कहा कि अटल जी वास्तव में भारत के एक अनमोल रत्न थे। उन्होंने हमेशा अपनी राजनीतिक छवि को दाग मुक्त बनाए रखा। कहा कि उनका हमारे बीच न होना देश में एक और सच्चे लाल को खो देने के बराबर है। अंत में सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश पंडित, पार्षद मुन्ना लाल, निषाद वैभव अग्रवाल, रसिक वल्लभ नागार्ज, पंकज अरोड़ा, जय शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता केशवाचार्य, प्रशांत शर्मा मिट्टुम, डॉक्टर रूप किशोर वर्मा, हेमंत भारती, पप्पू महावर, रतन सक्सेना, दीपू पंडित, रानू वाष्णेय, गोविंद बघेल राहुल, अधिकारी प्रेम कुशार, किशोर गौतम, श्री कृष्ण सरस अशोक घड़ीवाले, मोहन लाल मोही, नवीन टैटीवाला, प्रशांत शर्मा आदि के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री याद भारत रत्न यमुना की ताज परम अटल बिहारी वाजपेयी जी की और कार्यकर्ता बंधु उनके पीछे पीछे श्रद्धांजलि के अवसर पर वो भारतीय जनता पार्टी वृंदावन के द्वारा ऐसा मौका आया आज गांधी पार्क में जब उनके प्रति जाकर उनसे भेंट करने का अवसर कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से कुछ जुड़ी हुई चीजें उनको बताएं, अपने अनुभव श्रद्धांजलि अर्पित करें। जितना सुना है, जितना देखा है,